हेलो दोस्तों, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है एयर कंडीशनिंग। दोस्तों, हमको पता ही होगा कि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में और जो डे बाय डे हीट का मींस गर्मी जो डे बाय डे बढ़ रही है, सो एक ही चीज़ हमको कूलिंग कर रही है, कम्फर्ट जोन फील करवा रही है, एंड दैट इज़ एयर कंडीशनिंग सिस्टम मीन्स AC। ओके, सो AC है वो बहुत मीन्स हमको ह्यूमिड एयर प्रोवाइड करती है, क्लीनलीनेस प्रोवाइड करती है, एज वेल एज एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करती है कि जहाँ से हम प्रॉपरली वर्क प्लेस पर काम कर पाए या फिर घर में भी आराम से सो सकते हैं बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग। सो बेसिकली ये वीडियो में एयर कंडीशनिंग क्या है और उसको मीन्स कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे सिस्टम आती है और कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 टन का AC चाहिए, यहाँ पे 1.5 टन का AC चाहिए, यहाँ पे 10 टन का AC चाहिए, यहाँ पे 30 टन का AC चाहिए। सो ये सभी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर किया गया है। सो एयर कंडीशनिंग का बेसिक मीनिंग क्या है? बेसिकली वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग मीन्स क्या, वार्म एयर है वो कन्वर्जन करता है कोल्ड एंड मोर ह्यूमिड एयर। सो AC का मेन पर्पज़ क्या है, जो भी गर्म एयर है उसको कोल्ड एयर में कन्वर्ट किया जाता है एंड विथ ह्यूमिडिटी, मीन्स ह्यूमिडिटी भी उससे ऐड कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर। सो बेसिकली एयर कंडीशनिंग ओनली कूलिंग एयर प्रोवाइड नहीं करता है, उसके अलावा एयर कंडीशनिंग जो है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, प्योरिटी क्लीनलीनेस देता है और विंड मीन्स कितने स्पीड से मीन्स एयर कूलिंग होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें एडिशनली कन्वर्ट करता है। मीन्स चार चीज़ें टोटल एयर कंडीशनिंग कन्वर्ट करता है। फर्स्ट इज़ वार्म एयर टू कोल्ड एयर, देन ह्यूमिडिटी एडजस्ट करना, फिर प्योरिटी देना एंड स्पीड, जो भी वेलोसिटी से वो विंड निकलती है AC में से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो चार चीज़ों को एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है बेसिकली, नॉट ओनली सिंगल थिंग। ओके, अभी कौन कौन से टाइप की एयर कंडीशनिंग है वो हम देख ले। सो टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, सबसे पहला है विंडो एयर कंडीशनिंग एंड समर एयर कंडीशनिंग, दो टाइप यहाँ पे दिखाए गए हैं। फर्स्ट विंडो एयर कंडीशनिंग, विंडो मीन्स क्या कि जो पहले के ज़माने में विंडो में फिट किए जाते थे कट करके, ठीक है, वो है विंडो एयर कंडीशनिंग। समर एयर कंडीशनिंग मीन्स जो स्पेसिफिकली सेपरेटली समर सीजन में यूज़ होता है, दैट इज़ समर एयर कंडीशनिंग। उसके बाद आता है स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग कहाँ पे यूज़ होगा? सो आज के टाइम पे मैक्सिमम हाउस होल्ड एप्लीकेशन में, ऑफिसिस में स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें एक यूनिट घर के अंदर रहता है, दूसरा यूनिट है वो घर के बाहर रहता है, जो कि है स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, मीन्स एक इंडोर यूनिट एंड दूसरा है आउटडोर यूनिट। उसके बाद है विंटर एयर कंडीशनिंग। विंटर एयर कंडीशनिंग यानी कि क्या, कि जो मीन्स हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, जो कि जनरली मीन्स हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ विंटर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, सो जहाँ पे बहुत कोल्ड एटमोसफियर होता है वहाँ पे विंटर एयर कंडीशनिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी सिटीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, USA है, लंदन है, ये सभी जगह पे विंटर एयर कंडीशनिंग चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग एंड ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग जनरली फिट की जाती है मॉल्स में, ठीक है, सो बहुत सारे मॉल्स आपने देखे होंगे जहाँ पे नीचे डक्ट लाइंस प्रोवाइड की है, फॉर एग्जांपल के पार्किंग जोन है तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी डक्ट्स दिखेंगे, ठीक है, पाइपलाइंस दिखेंगी। सो दे आर बेसिकली फॉर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे एक सेंटर में यूनिट होगा और सभी जगह से पाइपलाइन से एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड की जाएगी। ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग जो कि समर में भी चलेगा, विंटर में भी चलेगा एंड मॉनसून सीजन, तीनों तीन सीजन में चलेगा, दैट्स वाई उसका नाम दिया है ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उसके बाद है पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये पूरे एक पैकेज में आती है एंड दैट्स वाई इट्स नेम इज़ पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपको सिर्फ लगा देना है, दैट्स इट, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो पैकेज एयर कंडीशनिंग में सभी सिस्टम है वो डायरेक्टली बिल्ट अप होके आती है, सिर्फ लगाना रहता है उसको, एक जगह पे फिक्स करना रहता है, ठीक है। सो आज तक आपको पता नहीं होगा कि इतनी सारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम आती है, बट इट इज़ एक्चुअली इन एग्जिस्टिंग थिंग, ये आती है एक्चुअली, ठीक है। और अभी हम देखेंगे मेन जो टाइप है एयर कंडीशनिंग की, ताकि आपको पता चले कि कौन सा एयर कंडीशनिंग है वो बेटर है एंड कौन सा परचेस करना चाहिए, वो कहाँ पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन रहता है। यहाँ पे रूम एयर कंडीशनिंग, जो अर्लीयर विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम आती थी वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। सो ये पूरा उसका एक्सप्लोडेड व्यू दिखाया है कि कैसे एग्जैक्टली असेंबली होती है
विंडो एयर कंडीशनिंग ही, एंड यहाँ पे उसका कलरफुल व्यूज़ भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे कंपोनेंट रखे जाते हैं, कौन सा यूनिट कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे इंडोर यूनिट विंडो में फिक्स किया है, जहाँ से कोल्ड एयर है वो हमको रूम में मिलेगी एंड हॉट एयर है वो आउटडोर यूनिट से बाहर एटमोसफियर में निकल जाएगी। ठीक है, सो ये बेसिकली इंडोर एंड आउटडोर यूनिट ऐसे विंडो एयर कंडीशनिंग में दिया हुआ है कि एक ही कैबिनेट में इंडोर एंड आउटडोर यूनिट रहेगा। रूम के अंदर की साइड पे इंडोर यूनिट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एंड रूम के बाहर की साइड पे यहाँ पे आउटडोर यूनिट रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ रूम एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसको विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं क्योंकि जनरली ये विंडो में फिट होता था इसीलिए। देन आफ्टर स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। स्प्लिट एयर मीन्स बहुत ही सिंपल, आज के टाइम पे बहुत ही यूजफुल है। एक यूनिट है वो घर के अंदर होता है ये वाला, जिसको बोलेंगे इंडोर यूनिट और उसको कहा जाएगा इवापोरेटर। ठीक है, एंड दूसरा यूनिट होगा जो कि कैबिनेट है, वो बाहर की साइड पे रखा होगा, जिसको बोलेंगे आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट है वो कूलिंग प्रोवाइड करता है, आउटडोर यूनिट है वो जो भी रूम में जो हीट है वो एब्जॉर्ब की गई है उसको यहाँ से बाहर एटमोसफियर में रिलीज करेगा। तो इसके सामने आप खड़े रहोगे आउटडोर यूनिट के सामने, तो आपको गर्म पवन मीन्स गर्म विंड है वो टच होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे इनसाइड क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगी। मीन्स क्या है, ये हीट एब्सॉर्ब का काम करता है, यहाँ से हीट रिजेक्शन का काम होता है। ठीक है, सो दिस इज स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, जिसमें दोनों यूनिट है वो सेपरेटली है। ठीक है, एक घर के अंदर है दूसरा घर के बाहर है। ये छत पे भी लगाया जा सकता है, जैसे कि विंडो के बाहर का छज्जा है वहाँ पे भी लगाते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और ये डक्ट लाइन से कनेक्टेड रहता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग। ये जो सिस्टम है यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रलाइज यूनिट है वो यहाँ पे सेंटर में फिक्स किया होता है, और ये सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है, और बड़े बड़े मॉल्स में, टॉकीज में, ये सब थिएटर्स में, ये सब मीन्स यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम को। और सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक ही सेंटर में यूनिट होता है और बाकी सभी जगह पे डक्ट लाइंस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे एक जो है डक्ट लाइन वो डिलीवरी के लिए रहती है कोल्ड एयर के लिए, और दूसरी जो है डक्ट लाइन वो सक्शन के लिए रहती है, जहाँ से हॉट एयर है वो सक्शन हो पाए और उसको रिलीज़ किया जाता है फिर। सो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला यूनिट है उसको बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU। ठीक है, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है, बड़े बड़े मॉल्स है, थिएटर्स है, ये सभी जगह पे सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक ही देख रहे हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी कौन सी साइकिल है वो एयर कंडीशनिंग में यूज़ होती है। सो बेसिकली चार कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। ये चार जो है वो AC में कंपोनेंट्स है। कौन कौन से, तो पहला है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है कि कंप्रेस करना, और जो रेफ्रिजरेंट है जो कि सेमी मिक्सड फॉर्म में है, जहाँ पे मींस लिक्विड एंड एयर दोनों के फॉर्म में है जो रेफ्रिजरेंट, उसको टोटली एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये काम करता है कंप्रेसर। और प्रेशर बढ़ाने का काम भी करता है कंप्रेसर, क्योंकि कंडेंसर में लो प्रेशर है, सो कंडेंसर प्रेशर से हाई प्रेशर ले जाना बहुत ज़रूरी है और वो काम करता है कंप्रेसर। फिर यहाँ से कंप्रेसर से कंडेंसर में एंट्री होती है, यहाँ पे कंडेंसर में जो भी हॉट रेफ्रिजरेंट है उसको कोल्ड किया जाता है, उसकी जो भी हीट है वो मीन्स एटमोसफियर में रिजेक्ट की जाती है, एंड देन आफ्टर जो रेफ्रिजरेंट है वो उसको एक्सपांशन वाल्व में लिया जाता है, एक्सपांशन वाल्व में उसका प्रेशर है वो रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, एंड उसको ये जो इवापोरेटर है वो प्रेशर पे लिया जाता है। इवापोरेटर यूनिट है वो कैबिनेट यहाँ पे है, सो इवापोरेटर में लो प्रेशर है, सो एक्सपांशन वाल्व का काम क्या है कि कंडेंसर प्रेशर से इवापोरेटर प्रेशर तक मैचिंग करवाना प्रेशर को, ये काम है एक्सपांशन वाल्व का। ओके, एंड देन आफ्टर जो कोल्ड रेफ्रिजरेंट है उसको इवापोरेटर में एंट्री की जाती है। इवापोरेटर का काम क्या रहता है, ये जो है वो इंडोर यूनिट है, मीन्स जो रूम के अंदर रखता है, और इसके थ्रू जो हॉट एयर है वो कलेक्ट की जाती है एंड जो कोल्डनेस है वो प्रोवाइड की जाती है रूम के अंदर। मीन्स जो रूम के अंदर वाला पार्ट है वो है इकोनोमाइजर, जिसका काम है हीट को एब्जॉर्ब करना एंड रूम में कूलिंग इफेक्ट देना। ठीक है, एंड ह्यूमिडिटी भी इकोनोमाइजर देता है, कोल्ड इफेक्ट भी देता है, प्योरिटी उसके लिए फिल्टर लगाया जाता है। ओके, एंड वेलोसिटी कंट्रोल के लिए वहाँ पे एक फैन सर्कुलर फॉर्म में लगाया जाता है
जो कि रोटेट होता है एक्चुअली, ठीक है, जिसको हम रोटर बोल सकते हैं, और इसके थ्रू ये चारों चीज़ ह्यूमिडिटी, कूलिंग, एयर कंट्रोलर मीन्स स्पीड कंट्रोल ऑफ द विंड एंड प्योरिटी, ये चार चीज़ें ये वाले इंडोर यूनिट से हो पाएगी। और बाहर की साइड पे तीन यूनिट लगाए होते हैं, कंप्रेशर, कंडेंसर एंड एक्सपांशन वाल्व, ठीक है। सो ऐसे साइकिल रहती है कि ये इसको स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आउटडोर यूनिट बन गया, ठीक है, एंड इंडोर यूनिट यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कि ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क करती है। एक फ़ैन लिया गया है जो कि यूज़फुल होता है इवापोरेटर के लिए, दूसरा फ़ैन है जो कि यूज़फुल होता है कंडेंसर के लिए, जो कि आउटलेट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर रीजन। सो हाई प्रेशर रीजन क्या है? बॉयलर साइड का जो सॉरी कंप्रेसर साइड में से जो आउटलेट निकलता है कंप्रेसर में से, वो पूरा कहाँ तक? तो बोले कि ईवा एक्सपांशन वाल्व तक ये पूरा हाई प्रेशर साइड है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आफ्टर कंप्रेसर ये पूरी चैनल है, दैट्स वाई दिस इज़ हाई प्रेशर यूनिट। एंड यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज़ एक्चुअली लो प्रेशर यूनिट। ये वाले पूरे सेक्शन में लो प्रेशर रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, ये वाले पूरे सेक्शन में हाई प्रेशर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, जो कि रेड कलर का आपको पूरा लाइन दिख रहा है, ठीक है। सो पूरा जो सिस्टम है वो दो प्रेशर में डिवाइड किया जाता है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर साइड। अभी कौन कौन से फैक्टर है जो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, मीन्स जिसके बेसिस पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो परचेस की जाती है? सो एरिया, कितने एरिया में कूलिंग देना है। सेकेंड, नंबर ऑफ पीपल, कितने पीपल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अगर वही एरिया में ज़्यादा पीपल काम कर रहे हैं तो उनका भी मीन्स जो बॉडी है उसका टेम्परेचर रिलीज होगा सो रूम में, सो उसको भी कूलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर सीलिंग हाइट्स, सो कितनी ऊंचाई पे छत है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। देन आफ्टर डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट कहाँ से एंट्री ले रहा है रूम में, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंड टाइप ऑफ वर्किंग, कौन से टाइप का वर्किंग चाहिए आपको। सो ये सभी चीज़ें कंसिडर की जाती है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के सिलेक्शन के लिए। अभी मान लो कि एक ही रूम में कितने टन का एसी चाहिए, तो उसके लिए ये सभी पैरामीटर्स है जो कि ध्यान में रखने होते हैं। पहला है कि ओरिएंटेशन, मीन्स आपका जो एरिया है, जो लोकेशन है, सिटी है, मान लो कि वडोदरा सिटी है या फिर कोई और जगह पे बॉम्बे है या फिर पुणे है, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सिटी के लैटिट्यूड एंड लोकेशन डिफरेंट रहते हैं, जिसके हिसाब से वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। सो ओरिएंटेशन के हिसाब से लोड कैलकुलेशन होता है। दूसरा है डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग, कितने साइज़ का है बिल्डिंग। थर्ड है साइज एंड नंबर ऑफ़ विंडोज़, कितने विंडोज़ है, नंबर ऑफ़ विंडोज़ है वो मोर अमाउंट ऑफ मीन्स हीट है वो कंज्यूम करेगी, एंड दैट्स वाई कूलिंग इफेक्ट बढ़ाएगी। सो ज़्यादा टन का एसी चाहिए होगा। मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ द वॉल, सीलिंग, रूफ एंड फ्लोर, कौन कौन से टाइप के मटेरियल है वो रूफ के, अकॉर्डिंग टू दैट हर एक मटेरियल है उसका मीन्स एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी हीट का हो वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, एंड कूलिंग इफेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। सो कौन कौन से मटेरियल के वॉल्स है, सीलिंग है, रूफ है, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन होगा। देन स्टेशनरी और मशीनिंग एप्लीकेशन, मान लो कि कोई सर्विस एरिया है जैसे कि एचआर यूनिट है या फिर जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे लोड कैलकुलेशन में मीन्स कम कम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, सो उसको रिमूव करने के लिए छोटे टन का आप एसी लगा सकते हो। जबकि मशीनिंग यूनिट है जहाँ पे लेथ मशीन चल रहा है या फिर कोई और मशीन्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सो उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा मीन्स आपको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए जो कि कूलिंग इफेक्ट अच्छी दे पाए। इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर भी मैटर करेगा, ठीक है। इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं उसके हिसाब से, एंड ऑक्यूपेंसी मीन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ दी मीन्स मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, ये सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर यू कैन डू लोड कैलकुलेशन कि कितने टन का आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम चाहिए होगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये वीडियो में हमने देखा एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक ही काम नहीं करता है, ओनली कूलिंग, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग कूलिंग, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी एंड एयर फ्लो, ये चार चीज़ें एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है। एंड हमने देखा कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग को, और कौन कौन सी टाइप की बेसिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो यूज़ होती है। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बस थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर।
share, subscribe, hit the bell icon if you want more updated, more knowledgeable videos. Thank you very much. God bless you. Take care.